तो चलिए आज हम हमारी तीसरी रेसिपी वैलेंटाइन स्पेशल कबाब बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4-5 उबले हुए आलू, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 कप मूंगफली का चूरा, 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला और तेल। तो चलिए बनाते हैं हम वैलेंटाइन कबाब, जिसके लिए हम ले रहे हैं एक बाउल में उबले हुए आलू, जिसे हम मैश करेंगे, बारीक कटी हुई पालक, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स यानी कि ब्रेड का चूरा, मूंगफली पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया। ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम हार्ट शेप का कबाब बनाएंगे। वैलेंटाइन कबाब के लिए हमने सारी चीजों को मिक्स किया है, जिसमें उबले हुए आलू, प्याज, मूंगफली पाउडर, ब्रेड क्रम्स, हरा धनिया, पालक, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कबाब का शेप देंगे। और क्योंकि आज ये वैलेंटाइन स्पेशल है, इसीलिए हम कबाब को हार्ट शेप मिलेंगे। इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये कटलेट्स तैयार हैं शैलो फ्राई करने के लिए। तो चलिए इसे हम शैलो फ्राई करते हैं तवे पर। तवे पे तेल डालेंगे और ये कबाब तवे पे रखेंगे। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इसे अब हम प्लेट पे निकालेंगे। इस वैलेंटाइन कबाब की हम करते हैं अब सुंदर सी प्लेटिंग। इसमें बीचों बीच हमने रखा है सॉस और चटनी और इसके चारों तरफ रखेंगे हम कबाब। तो रेडी है हमारे वैलेंटाइन स्पेशल कबाब।